नमस्कार, मैं अमित त्यागी। 20 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इंश्योरेंस सेक्टर पर लगने वाली जो जीएसटी है उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगती है और इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी लगती है। जैसे भारत के मंत्री, सड़क एंड परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा था और जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर पर लगने वाली जीएसटी को हटाने की बात की गई थी, उसी के बारे में 20 अक्टूबर को एक फैसला हो सकता है। आइए समझते हैं पहले जीएसटी क्या है, कितनी कितनी जीएसटी लगती है और किन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ सकती है 20 अक्टूबर के बाद। जीएसटी या वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। जीएसटी ने कई अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट को एक ही कर प्रणाली में सम्मिलित कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कराधान प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है। किन किन चीजों पर जीएसटी लागू होते हैं? वस्तुएं, हर किसी वस्तुएं जैसे कि खाद्य पदार्थ, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर आदि पर जीएसटी लगती है। आप कोई भी सामान मार्केट से खरीदने जाते हैं, इस देश का हर एक नागरिक जीएसटी पे करता है, यानी कि हर एक नागरिक का इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में पूरा योगदान है। सेवाएं, हर किसी की सेवाएं जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, टेलीकॉम, बैंकिंग सेवाएं, सलाहकार सेवाएं और इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इसके साथ साथ आप टेलीफोन यूज करते हैं, इस पर भी आप जीएसटी पे करते हैं। यानी कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो आपकी जेब से निकला हुआ पैसा है, उसी के द्वारा इस देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। अब कहां कहां पर जीएसटी लगती है? जीएसटी को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ये केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित की जाती है। दूसरा है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी यानी कि राज्य सरकार द्वारा संग्रहित की जाती है। और थर्ड है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, अंतर राज्य लेन देन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 20 अक्टूबर को जीएसटी रेट्स समीक्षा पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में करीब 100 प्रोडक्ट्स के जीएसटी दरों की समीक्षा होगी। मालूम हो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM में 11 राज्य सदस्य हैं, वहीं ग्रुप के संयोजक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। आगे जानिए कि क्या क्या चीजें महंगी हो सकती हैं। ये चीजें महंगी हो सकती हैं जैसे कि हेयर ड्रायर और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट समेत कुछ व्हाइट गुड्स प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को बढ़ाया जा सकता है। व्हाइट गुड्स प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, माइक्रोवेव, ओवन और वाटर हीटर समेत कई प्रोडक्ट्स आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा बनर्जी ने हेयर ड्रायर और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट समेत कुछ व्हाइट गुड्स पर जीएसटी बढ़ाने पर विचार करने की मांग की है। वहीं रिवेन्यू बढ़ाने के लिए साल 2018 में व्हाइट गुड्स के जिन आइटम्स पर दरों में कटौती हुई है उन पर भी फिर से विचार करने की मांग की गई है। कार की फैंसी नंबर प्लेट पर भी फैसला संभव है, यानी कि इस पर भी कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकता है। कार की फैंसी नंबर प्लेट के ऑक्शन पर जीएसटी लग सकती है। आपको मालूम होगा कि सितंबर 2024 में कुल जीएसटी कलेक्शन 6.5% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपए हो गया था। अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपए रहा था। जुलाई के महीने में सरकार के खजाने में जीएसटी के रूप में 1.82 लाख करोड़ रुपए आए थे। और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में 20 अक्टूबर को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसमें इंश्योरेंस यानी कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया जा सकता है। नहीं तो कम से कम जो 18% की जीएसटी लगती है उसको घटाकर कम किया जा सकता है। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट चाहते हैं, सबसे पहले अपडेट चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है यानी कि घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है जीएसटी से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, या आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
हम उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।